कमाल के ब्यूटी और मेकअप टिप्स आपने आज से पहले कभी ऐसे टिप्स नहीं सुने होंगे दोस्तों, ज़रूर सुने। सबसे पहले है, सर्दियों में आप ड्राई की बजाय ग्लॉसी मेकअप प्रोडक्ट्स अपने लिए चुने। मेकअप प्रोडक्ट्स विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने चाहिए। खास तौर से फाउंडेशन और कंसीलर में विटामिन सी और विटामिन ई का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो करती है। नंबर दो, सर्दियों में लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप मैट लिपस्टिक लगाते हैं तो वो और ज़्यादा ड्राई दिखने लगते हैं। बेहतर होगा कि लिप्स पर लिपस्टिक लगाने से पहले कोई लिप ग्लॉस ज़रूर लगाएं या फिर लिप बाम लगा सकते हैं। सर्दियों में मैट लिपस्टिक की बजाय ग्लॉसी लिपस्टिक लगाने को प्रेफरेंस दें। इससे आपके होंठ शाइन करेंगे। नंबर तीन, सर्दियों में मेकअप करने से पहले स्किन को हाइड्रेट ज़रूर करें। यह कभी भी नहीं भूलें, यह बहुत ज़रूरी स्टेप है। किसी भी अच्छी क्रीम से आप हल्की सी मसाज करें और चेहरे पर प्राइमर ज़रूर लगाएं। नंबर चार, विंटर में किसी क्रीमी लिक्विड फाउंडेशन का ही उपयोग आपको करना चाहिए। फाउंडेशन में लिक्विड इल्यूमिनेटर मिलाकर लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग लगे। नंबर पाँच, ठंड में जब भी मेकअप करें उससे पहले त्वचा को किसी अच्छे से मॉइस्चराइजर से अच्छी तरह से मसाज कर लें। उंगलियों की मदद से चेहरे को करीब 2 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करें। मसाज के बाद फेस को हाथ से थपथपा लें, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है। ऐसा करने से मेकअप अच्छी तरह से आपकी स्किन में सेट भी हो जाता है। मेकअप के बाद भी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। नंबर छः, ग्रीन टी पीने से चेहरे पर ग्लो तो आता ही है, चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे कम होकर चेहरा साफ होने लगता है। ग्रीन टी को पैक के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूज्ड जो टी बैग्स होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। नंबर सात, अंडे के छिलके में 2 चम्मच शहद मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसे अपने चेहरे पर लगाएं। 1 सप्ताह के भीतर आपकी त्वचा में फर्क नजर आने लगेगा। इस उपाय से चेहरे पर चमक आने के साथ नमी भी बनी रहती है। नंबर आठ, आप विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल को गुलाब जल में मिलाकर लगा सकते हैं। यह नेचुरल टोनर के रूप में काम भी करता है। इसे लगाने से होंठों का कालापन भी दूर होता है। आप इसे फेस पे भी लगा सकते हैं, लिप्स पर भी लगा सकते हैं। नंबर नौ, जब भी मुहासे आए तो उन पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लें। अगली सुबह मुहासा आपको सूखा हुआ दिखाई देगा और दाग भी नहीं पड़ेगा। नंबर 11, कॉम्बिनेशन स्किन के लोग इस फेस पैक को लगाकर काफ़ी फर्क महसूस कर सकते हैं। 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और कुछ बूंदे नींबू के रस की मिलाएं। अब जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं और पेस्ट बना लें। इसे 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाकर धो लें। आपका चेहरा चमकने लगेगा। दोस्तों, कॉम्बिनेशन स्किन होती है जो ऑयली भी होती है और ड्राई भी। 11, अगर आप 30 के बाद भी यंग दिखना चाहती हैं तो विटामिन ई और रेटिनोल को अपने खाने में शामिल करें। इस विटामिन की भरपाई करने के लिए आप गाजर को सलाद में शामिल कर सकते हैं। यह विटामिन न सिर्फ आपको स्किन में कसाफ लाता है बल्कि आंखों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 12, ताज़ा एलोवेरा का गूदा चेहरे पर लगाएं। यह मुहासों को ख़त्म करता है, दाग धब्बों को भी मिटाता है। नंबर 13, चेहरे के ग्लो को बनाए रखने और स्किन को फ्रेश रखने के लिए स्किन केयर रूटीन बहुत ज़रूरी है और हम सभी को इसके लिए समय निकालना ही चाहिए। लेकिन समय की कमी के चलते जब आप ऐसा नहीं कर पाती हैं तो स्किन डल दिखने लगती है। आपका मेकअप भी इसे फिक्स नहीं कर पाता। तो दोस्तों, अपने समय में से 24 आवर्स में से अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। नंबर 15, शिमरी और हाई शाइन फॉर्मूला मेकअप अधिक अट्रैक्टिव दिखते हैं लेकिन मैट फॉर्मूला भी, विशेष रूप से ब्रोंजर, अधिक फ्रेश लगते हैं। आपके पास किसी मेकअप प्रोडक्ट में जितनी अधिक शाइन होगी उतने ही पोर्स अधिक बड़े हुए दिखाई देंगे। नंबर 16, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से आपको ज़्यादा कवरेज मिलेगी और स्किन फ्लॉलेस दिखेगी तो आप गलत हैं, बल्कि इसका विपरीत होगा। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने से फाइन लाइंस और रिंकल्स ज़्यादा दिखने लगते हैं। कम प्रोडक्ट लगाएं, बस इतना ध्यान रखें कि यह सही तरीके से ब्लेंड किया गया हो। नंबर 17, बहुत अधिक पीला नहीं बल्कि येलोइश टोन्ड फाउंडेशन स्किन को वार्म दिखाता है और आपकी त्वचा जितनी वार्म दिखती है उतनी ही आप भी यंग
दिखते हैं। इसीलिए फाउंडेशन खरीदते समय वार्म टोन्ड फाउंडेशन ही सिलेक्ट करें। नंबर 18, एक समय में कंटूरिंग बहुत पॉपुलर थी, लेकिन अब सॉफ्ट और नो मेकअप मेकअप लुक ज़्यादा ट्रेंड में है। इसीलिए अपने लुक को नेचुरल रखते हुए केवल ब्रॉन्जर और ब्लश से चेहरे को शेप दे। नंबर 19, हम जानते हैं कि हाइलाइटर बेशक आपके चेहरे को मिनटों में एक शिमरी ग्लो देता है और डल फेस को भी फ्रेश बना देता है। हालांकि आपको ग्लिटरी पाउडर हाइलाइटर की जगह लिक्विड या फिर क्रीम हाइलाइटर का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपको एक शीन ग्लो भी मिलेगा। नंबर 20, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ही आपकी पलकें हल्की होती जाती हैं, इसीलिए लैशेस को थिक करने के लिए एक लेंथनिंग और थिकनिंग मस्कारा चुनें। इसके दो कोट लगाएं और अपनी पलकों को फ्लॉन्ट करें। नंबर 21, लिपस्टिक लगाने के लिए लिप ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे लिपस्टिक पूरे होठों पर समान रूप से अप्लाई होती है और लंबे समय तक भी आपकी लिपस्टिक टिकी रहती है। नंबर 22, खूबसूरत ग्लो चाहती हैं तो अपने मॉइस्चराइजर में लिक्विड हाइलाइटर या फिर थोड़ा सा गोल्ड शिमर मिलाकर लगाएं, आपकी जो चेहरा है वो और ज़्यादा ग्लो करने लगेगा। नंबर 23, काजल को फैलने से रोकने के लिए रात को सोने से पहले गाढ़ा काजल अपनी आंखों में लगाकर सो जाएं। फिर सुबह जब काजल फैल चुका हो तब आप उसको साफ कर लें, इससे यह भी आपका जो काजल है वो आंखों में लगा भी रहेगा और दोबारा फैलेगा भी नहीं। नंबर 24, तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी भी लिपस्टिक आपके दांतों पर लग जाती है तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने होठों पर लिपस्टिक लगानी है और फिर अपने होठों से ओ का आकार बनाना है। अपने अंगूठे को अपने लिप्स के अंदर डालें और उसे गोल गोल घुमाएं। जो भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक आपके होठों पर लगी होगी वो आपके अंगूठे पर लगकर बाहर आ जाएगी और इससे आपकी लिपस्टिक आपके दांतों पर भी नहीं लगेगी। 25 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपना मेकअप नेचुरल लाइट में ही करें। अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो वाइट लाइट में मेकअप कर सकते हैं। येलो लाइट में आपका स्किन टोन और मेकअप पूरी तरह से अलग लग सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही जानकारी। आशा है दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि वो भी ऐसे छोटे छोटे टिप्स जान पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर सेट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।